हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 7:45 हो रखे हैं, हम लोग घर से निकल गए हैं क्योंकि रात को विक्रांत आते हैं बहुत ज़्यादा लेट। आजकल मतलब उनको बहुत ज़्यादा काम है ऑफिस में तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। मेरी आवाज़ इतनी भारी इसलिए क्योंकि मैं सोकर उठकर तुरंत सामान लेने के लिए आ गई। हम सामान लेने के लिए आए हैं क्योंकि कल है पूजा, कल भूमि पूजन है, तो उसके लिए थोड़ा सा सामान चाहिए था, वो हम लेने के लिए आए हैं। बच्चे घर पर हैं, आज सारांश की छुट्टी है, पृथ्वी का तो ऑनलाइन क्लास चली रही है, तो सारांश, पृथ्वी और शिवी तीनों घर पे हैं, दोनों बच्चे सोए हुए हैं, वो जागा हुआ है, तो साथ में लेकर के आने की जरूरत नहीं पड़ती अगर सारांश घर पे होता है तो, वरना बच्चों को साथ लेकर के चलना पड़ता है और काम और ज़्यादा डबल हो जाता है। तो अभी हम आए हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, जो भी पंडित जी ने लिखवाया। बहुत ही मतलब छोटी सी पूजा होती है, वो तो आपको कल के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। खैर तो यस, एक बार सामान खरीद लेते हैं, उसके बाद फिर से प्लॉट पर जाएंगे। और काफ़ी सारे लोगों ने मतलब कमेंट किया है मुझे, तो मैं आपको बता दूं, ये जो प्लॉट है हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया लिए हुए। मैंने इसका जब ये लिया था तब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, तो मैंने रिसेंटली नहीं लिया है, काफ़ी दिन हो गए हैं लिए हुए। और अब हम यहाँ पूजा की दुकान पर आ गए हैं, यहाँ से ख़रीदेंगे हम पूजा का सामान जो विक्रांत लेकर के आएंगे। मैं तो गाड़ी में बैठने वाली हूँ, बाकी कुछ देख लेना। और विक्रांत, मेरी सामग्री खत्म हो रही है, सामग्री ले आना, ठीक है? मुझे नींद आ रही है अभी भी। सामान विक्रांत ने ले लिया है, पीछे रखा हुआ है, बहुत मतलब जरा सा ही सामान था, सच कुछ नहीं था। तो सामान लेकर के हम लोग निकल गए हैं, अब एक बार देखें जाकर के कितना काम हुआ है, क्योंकि सुबह के टाइम में जाना हो पाता है। ऐसे काम तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब वही नॉर्मल खुदाई वगैरह चल रही है वहाँ पे, और उसके बाद ही कल के बाद एक्चुअली बनना स्टार्ट होगा। और उसके अलावा एक चीज़ और, मतलब मेरे पास 3 से 4 कमेंट आए थे मेरी प्रीवियस वीडियोस पर कि आर्किटेक्ट को लेकर के, तो आर्किटेक्ट हमने यहाँ स्टार्टिंग से ही हायर किया हुआ है क्योंकि यहाँ बिना आर्किटेक्ट के हेल्प के तो घर बन ही नहीं सकता था। थैंक यू सो मच जितने भी लोग सजेशन दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूंगी और हम इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। कल से तो कोई काम नहीं हुआ, इतना ही है ना, बस पानी भरा है, आई थिंक इसको लेवल में करने के लिए। अभी तो उतना ही काम है जितना हम कल देख करके गए थे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ कल के पूरे दिन में। इनको बोलो विक्रांत थोड़ा स्पीडली करें, सिर्फ पानी भरा गया है यहाँ पर, बस यही है। जब तक खुद देख रेख ना करो ना तो काम स्पीडली नहीं होता। कल विक्रांत की छुट्टी है, कल देखेंगे 2-4 काम। बोलो थोड़ा सा स्पीडली करें। एक तो पता है यहाँ पर ना, जो ये सोसाइटी है यहाँ पर दीमक की बहुत प्रॉब्लम है। जितने भी लोगों से हमारी बात हुई सभी ने यही बोला है कि दीमक बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो प्रोटेक्शन है वो अच्छे से कराना। वैसे तो वो खैर सब आर्किटेक्ट ने कर ही दिया है कि मतलब किस तरह से करना है, क्या करना है। पूजा कहाँ पर बैठ कर होगी, नीचे जा कर होगी ना पूजा, तो अराउंड 5 फीट ये खुद चुका है। विक्रांत बोल रहे उतना ही खुदना, उतने से ही काम होगा। धीरे धीरे नॉलेज होगी इस चीज़ की मुझे, मुझे तो मतलब बिल्कुल पता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ। घर में भी पहले ही बन गया था, कभी हम छोटे थे तभी हमारे बाबा जी ने बनवा दिया था, तो कभी मतलब ऐसा मौका नहीं मिला। अब देख रहे हैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हमें भी नॉलेज हो जाएगी, बड़ी खुशी सी होती है। और आप सबका प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। यहाँ पर जो पानी की टंकी का पाइप होता है देखो वो कट गया, हम सोच रहे थे कि पानी उन लोगों ने चलाया है इसलिए यहाँ पर इतना पानी है, लेकिन ये पाइप कट गया जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ की पूरी मिट्टी कट चुकी है। लुक एट दिस, अब इसको देखो वो लोग कैसे फिक्स करते हैं। जो गवर्नमेंट का पानी होता है ना, जो टंकी आती है पानी की, उसका पाइप कटा है मेरे ख्याल से। क्या हुआ, क्या हुआ? पूरे गुस्से में बैठी हुई है क्योंकि मैं पृथ्वी की क्लास करा रही हूँ। यार ये ऑनलाइन क्लास सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो पृथ्वी की क्लास चल रही है और ये इसको बेटा वर्क कीजिए और इसको लेकर के बैठी हूँ ना, तो ये पूरे गुस्से में है। विक्रांत ऑफिस जा चुके हैं। शिवु, विक्रांत का आकर के लंच बनाया, नाश्ता बनाया, जैसे तैसे भागम भागी में, और दाल भी जला दी मैंने इन सब चक्करों में। वो ऑफिस चले गए हैं, पृथ्वी अपना रिटर्न वर्क कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। प्लीज़ ये मत कहिएगा बच्चा पढ़ रहा है और आप शूट कर रहे हो, उसका रिटर्न वर्क चल रहा है और ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना, है ना। बाय, बोल दो बाय। बाय। सवा 11 बज गए और इस टाइम लगी है बहुत जोरों की भूख। बच्चों को खाना खिला दिया है और मैंने अपने लिए बनाई है नमक की रोटी, चाय और मिर्च का अचार। पृथ्वी साइड हो ना। ओके। शिवी है पृथ्वी की गोद में, इसका तो दोबारा सोने का टाइम हो गया है। गोद में नहीं है पृथ्वी की, सॉरी सारांश की। हाँ, आपकी गोद में नहीं, मुंह से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग। थोड़ी देर टीवी देख करके आपको पढ़ाई कर दिया। ओके। अरे व्हाट डू यू मीन बाय, अरे यार पढ़ाई तो जरूर करनी होती है ना। खाना खा करके घर समेटूंगी, पूरा घर बहुत ही बुरी तरह फैला हुआ है। ड्राइंग रूम की कंडीशन आप देखो, मतलब यहीं से दिखना शुरू हो जाएगा पूरा घर किस कदर फैला हुआ होता है। ये बेड की हालत है। जब ये समेटूंगी सारा, उसके बाद अभी हाउस हेल्प मेरी बहुत ज़्यादा लेट आते हैं। टाइम तो उनका जल्दी का ही था लेकिन वो बहुत लेट आती हैं, 11:30 के बाद ही आएंगी। तो फटाफट खाना खा के एक बार समेट लेती हूँ घर को, किचन समेट करके आ चुकी हूँ, उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। बालों की हालत देखो यार, मेरी इतनी भयंकर हो रखी है बहुत ज़्यादा। शिवु हो गई है रेडी, अब बस मेरा नहाना बाकी है। बोलो, आज मैं 10 मंथ की हो गई हूँ। आज शिवु मेरी 10 मंथ की हो गई है, एकदम शैतानी है ना। तो चलो बेटा मैं भी नहा लेती हूँ, सामान जरस का ध्यान रखना, मैं फटाफट नहा के आई। ठीक है, मुझे करनी है आयरन। बहुत सारे कपड़े आयरन के लिए रखे हैं, वहां दूध ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। और पृथ्वी को पढ़ा रही हूँ, चल इसके स्कूल में राइटिंग प्रैक्टिस है। और ये मैडम देखो आ, 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 मामा के साथ सवारी आ रही है। क्या हुआ, क्या हुआ, आप तो हैप्पी हैप्पी हो गए मामा के साथ। यस कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ कम शिवो। क्रॉलिंग बस इतना ही क्रॉलिंग करती है, थोड़ा सा चलेगी। और ये कौन सा क्रॉलिंग करने का तरीका है। कम कम कम, ये अब तो नहीं, पजामी स्लिप पहना, ये नहीं पहनाऊंगी तो पैर चिपकते हैं फिर। अरे नहीं, अरे बब्बर है, पीछे पीछे जितना आगे आएगी उतना पीछे रहेगी। पृथ्वी चलता था लेट कर। पृथ्वी की क्लिप भी मैं इसमें अटैच करूंगी, ठीक है पृथ्वी, कि आप कैसे चलते थे। ओके ओके ओके। पृथ्वी कहता है मुझे मेरी क्लास में बच्चे किशमिश कहते हैं। नहीं, तो, चश्मे को। हाँ, अरे बेटा आगे आना था। अरे किशमिश बोलता है ना। और मम्मा क्या बोलती है कि बच्चे अगर ऐसे बोले तो आपको क्या बोलना है। किशमिश नहीं, ऐसे बोलने कि दिस इज नॉट अ गुड लैंग्वेज, ऐसे नहीं बोलते है ना। शिवु का, शिवु का दूर दूर बैठ गई। आ जा लाडो, लाडो लाडो लेट गई। क्योंकि मम्मा ने जूम कर दिया। आजा।
अचल खड़ी हो गया। अरे शिव बाय, शिव बाय बाय। चलो मैं भैया को पढ़ा दूं, बाय। विक्रांत को ऑफिस से आने में इतना लेट हो गया, बहुत ही ज्यादा। पूरे दिन की छोटी छोटी क्लिप्स मैंने आज के व्लॉग में अटैच की हैं। ऐसा तो मतलब प्रॉपर व्लॉग तो तब तक नहीं बन पाता जब तक कोई शिवी को पकड़ने के लिए नहीं होता। अभी ये ऑफिस से आए, सारांश भी क्योंकि ट्यूशन चला गया था, उसके बाद डिनर बनाया, डिनर किया और फिर याद आया कि कल के पूजा के लिए जो लड्डू आने थे ना, क्योंकि सुबह 8 बजे पूजा करानी है, तो जो प्रसाद मतलब भोग का प्रसाद जो भी है, सॉरी कल बता दूंगी एग्जैक्टली क्या है, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा तो मुझे भी आइडिया नहीं है। तो मोतीचूर के लड्डू लाने थे, पंडित जी ने मोतीचूर के लड्डू के लिए बोला था, उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। और आज मैं पूरे दिन गाउन में थी ना, इसलिए चेंज करके जाना पड़ा। बालों में कंघा नहीं हुआ है, वैसे सूट पहन लिया है तो सूट से ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। वैसे बहुत सिंपल सा सूट मैंने पहना हुआ है, एकदम प्लेन है, जनासिया ब्रांड का ये है। और दुपट्टा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, कटस्लेस है, फैब्रिक इसका क्रेप है, तो बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं पहना जाता, एसी एनवायरमेंट में ही पहन पाओगे, बट स्टिल आई लाइक इट। और यस, बीकानेर पास में ही है तो सुबह इतनी जल्दी नहीं खुलेगा जितनी जल्दी पूजा स्टार्ट हो जाएगी, तो इसीलिए ना अभी लेकर के आ रहे हैं। बाकी सारा सामान हम सुबह ले आए थे, वो सारे इकट्ठा करके रख लेंगे और बस पूजा हो जाएगी, फिर सब कुछ चीजें शुरू हो जाएंगी। तो यस, देखती हूँ कल, क्योंकि वोटिंग भी है तो विक्रांत तो गांव जाएंगे, मेरी जो वोट है वो मेरे मायके में है, तो ये मुझे घर छोड़ते हुए चले जाएंगे, फिर आप ले आएंगे। उसके बाद शूट भी करना है, क्योंकि काफी दिन से मैंने हॉल वीडियो शूट नहीं की है, तो वो बहुत ज्यादा पेंडिंग है। हो गई मैं अंधेरे में, हाँ, तो वो बहुत ज्यादा पेंडिंग चल रही है, तो वो भी मुझे शूट करनी है। बस एक बार सामान लेकर के आ जाते हैं, अभी तीनों बच्चे ऊपर ही हैं, उसके बाद नीचे वॉक के लिए आएंगे। वॉक स्टार्ट कर दी है, पर अभी ऐसा है कि एक दिन होती है एक दिन छूट जाती है, दो दिन होती है फिर एक दिन छूट जाती है, कॉन्टिन्यूटी नहीं आ पाई है अभी। लेकिन हाँ, कोशिश पूरी है कि भाई ये पेट कम हो जाए। रात में मैंने एक रोटी खानी शुरू कर दी, क्योंकि बिना खाने के तो मैं नहीं रह सकती, बट हाँ एक रोटी मैंने खानी शुरू कर दी पूरे दिन में। मतलब सुबह नाश्ता किया था, दोपहर थोड़े से चावल और अब एक रोटी, जितना हो सकता है उतना कम खाऊंगी, जैसे कि जल्दी से ये वाली चर्बी, पेट की चर्बी मेरी कम हो। डाइट करने की सोचती हूँ और बाहर जाकर कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। राज कचौड़ी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब जब भी मैं जाती हूँ मैं ज़रूर खा के आती हूँ, इसीलिए मैं सोच रही थी कि कहीं और से मिठाई ले लें, पर आसपास यहीं अच्छी मिलती है तो यहीं पर आ गए। और फिर राज कचौड़ी ना खाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फाइनली सारा काम हो गया है खत्म, और सारी चीजें मतलब सारा रूम मैंने समेट दिया, बहुत सारे कपड़े और शिवी पता है सुबह से आज अब सोई है, एक बार सोई थी 20 मिनट के लिए और एक बार हार्डली 1 घंटे के लिए, अब जाकर के सोइए, विक्रांत की गोद में है, पृथ्वी दिखाने दो। और समय हो गया है 12, तो बज ही गए होंगे 12 तक, बज गए हैं अब, क्यों आ जब तक आप मेरे ऊपर थे। सारांश मामा कहाँ है? बाहर गए। सो चलिए गाइस, इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर खत्म, मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। क्या टॉयज के साथ? चलो करते हैं। So bye. Bye.